आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे अच्छा कैसे लिखें। शिक्षार्थियों, आप और हम भाषा के लिखित रूप का प्राय प्रयोग करते ही हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि हम बोलते हुए बहुत अधिक सोचते नहीं? जैसे ही हमारे मन में कोई विचार आता है, हम तुरंत उसे भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर देते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी हमें कुछ नया लिखना होता है तो हम 10 बार सोचते हैं क्या लिखें, कैसे लिखें, शुरू कैसे करें? जैसे किसी को पत्र लिखने में, या प्रश्नों के उत्तर लिखने में, या कभी हम अनुच्छेद या छोटा निबंध जब लिखते हैं तब हम ऐसा अनुभव करते हैं, या ऐसी ही किसी अन्य परिस्थितियों में। इस प्रकार से आपको भी ये अनुभव हुआ होगा कि लिखना जो कौशल है उसके अनेक रूप हैं। शिक्षार्थियों, आप सहमत होंगे इस बात पर कि बोलना जितना आसान है, लिखना उतना नहीं। किंतु लिखने का प्रभाव बोलने से अधिक स्थायी और प्रभावी होता है, परंतु शर्त यह है कि हमें प्रभावी ढंग से लिखना है। इस कार्यक्रम में हम यही सीखेंगे कि प्रभावी ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। हमारे मुख्य बिंदु हैं सही शब्द चयन, वाक्य विन्यास और वाक्य गठन हम कैसे करें, शुद्ध हिंदी लेखन के गुण कैसे पहचाने, लिखित अभिव्यक्ति को मुहावरे, लोकोक्ति आदि के प्रयोग से अधिक प्रभावी कैसे बनाएं, विराम चिन्ह आदि का सही प्रयोग कैसे सीखें, अपने विचार को सही क्रम देते हुए उन्हें अपनी भाषा में कैसे ढालें, अनुच्छेद, कहानी, आलेख आदि को पढ़कर अपने शब्दों में कैसे लिखें। शिक्षार्थियों, भाषा के लेखन में मुख्यतः 2 पक्ष हैं। एक उसका बाहरी पक्ष अर्थात स्वरूप पक्ष है, जिसमें शब्द चयन, वाक्य गठन, मुहावरा प्रयोग, अभिव्यक्ति शैली आदि आते हैं। और दूसरा है उसका भीतरी पक्ष, जिसे भाव या विचार पक्ष कह सकते हैं। इसमें विचारों या भावों की गंभीरता, स्पष्टता, सरलता आदि शामिल है। तो सबसे पहले हम लिखावट के कुछ नमूने देखते हैं। लिखावट का पहला नमूना ये आपके समक्ष है। आपने देखा ये किस तरह की लिखावट है? क्या आप समझ पा रहे हैं या क्या लिखा गया है? अक्षर स्पष्ट हो रहे हैं आपको? चलिए अब हम लिखावट का दूसरा नमूना देखते हैं। ये लिखावट का हमारा दूसरा नमूना है। क्या इसे देखकर आपको स्पष्ट हो रहा है कि लेखक ने क्या लिखा है? क्या सभी अक्षर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यह वर्तनी शुद्ध है? चलिए अब हम तीसरा नमूना देखते हैं। यहाँ आपको भाषा स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है? इसमें क्या लिखा गया है? शब्दों में अंतर देखेंगे आप, बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत ही नाप तोल कर रखा गया है। वर्तनी शुद्ध है, अक्षर स्पष्ट हैं और उनका आकार एक जैसा है। शिक्षार्थियों, लेखन के समय आपको जिन बातों पर ध्यान देना है वो मुख्य रूप से है आपकी लेखन की स्वच्छता, सुंदरता और सुडौल अक्षर निर्माण, आपका हाशिया छोड़कर लिखना और अक्षर शब्द एवं वाक्य से वाक्य के बीच की दूरी। अच्छे लेखन की कुछ शर्तें हैं, जिनमें से कुछ हैं कि आपका लेखन प्रभावी हो, जो भी आप लिखें वह सटीक हो और जो लिखा जाए वह व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हो। शिक्षार्थियों, लेखन का मतलब है कि लेखन सुंदर हो और शब्दों की वर्तनी शुद्ध हो, वाक्य की बनावट ठीक हो, उसमें व्याकरण संबंधी कोई गलती ना हो। और सटीक लेखन का मतलब है कि आपकी बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो, जो आप कहना चाहते हैं वही अर्थ निकले और वही दूसरों तक पहुंचे। इसके लिए आप सही शब्द चुनें और सही वाक्य बनाएं। ऐसा करने के लिए 3 सीढ़ियां चढ़ना जरूरी है, यानी बिना शुद्ध लिखे सटीक लेखन नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आपको शुद्ध लिखना सीखना होगा, इसके बाद ही आप सटीक लेखन का कौशल सीख पाएंगे। शिक्षार्थियों, हमारी कल्पना पंख पसारती है और हमारे मन में जिन नए नए भावों का संचार होता है, हम उन्हें
लिपिबद्ध करना चाहते हैं। अगर हमें शुद्ध लिखना आता ही नहीं तो हम अपने आप को अभिव्यक्त कैसे कर पाएंगे। इसके लिए हमें भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और उसके बाद शब्द से परिचित होना होगा। अगर हम सही शब्दों का चयन नहीं कर पाते तो लिखते समय वर्तनी के गलत होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आपने स्नान किए कि नहीं। यही बात वह लेखन में कर जाते हैं जो कि गलत है, क्योंकि स्नान की जगह उन्हें स्नान शब्द लिखना चाहिए था। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्थाई को अस्थाई की तरह उच्चारित किया जाता है, जबकि ऐसा लिखते समय अशुद्धि हो जाती है। शिक्षार्थियों, कुछ लोगों की व और ब संबंधी अशुद्धियां भी लेखन में हो जाती हैं। वर्षा को वर्षा और वनस्पति को वनस्पति लिख जाते हैं। इसके अलावा श श स की अशुद्धि तो अधिकतर लोगों से हो ही जाती है। वे शासन को शासन, नमस्कार को नमस्कार और कष्ट को कष्ट लिख जाते हैं। ट और ठ के लेखन में भी खूब अशुद्धियां होती हैं। विशिष्ट के स्थान पर विशिष्ट और संतुष्ट की जगह संतुष्ट लिखते हुए आपने कई लोगों को देखा होगा, जो कि गलत है। इसी तरह हमें क्ष और छ लिखते समय भी अशुद्धियों से बचना होगा। लोग क्षमा के स्थान पर क्षमा या छिमा लिख देते हैं। हमें इस तरह की अशुद्धियों से अवश्य बचना चाहिए। आप अक्सर देखते होंगे कि लोग बात करते समय हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का बेमेल प्रयोग करते हैं। हालांकि आजकल इस तरह की भाषा का प्रचलन बोलचाल में बढ़ता चला जा रहा है, जो कि गलत है। हम कुछ उदाहरण देखते हैं। इन उदाहरणों में दो या तीन शब्दों के मिले जुले शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला उदाहरण है, बिफोर कि वह कुछ बोले मैंने ऐसा कर दिया। आप देखेंगे कि इसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया है, जो कि बहुत ही अटपटा लग रहा है। दूसरा उदाहरण है, स्कूल जाते समय मुझे राम एंड श्यामू वॉक करते हुए मिलते। ऐसे उदाहरण बहुत सामान्य हैं। इस तरह के प्रयोग करते हुए आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे। इस प्रकार दो या तीन भाषाओं के मिले जुले शब्दों को हम कोड मिश्रण कहते हैं। इसी तरह आपने कई लोगों को एक ही अर्थ देने वाले दो दो शब्दों का प्रयोग एक ही वाक्य में करते हुए सुना होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसे पुनरुक्ति या दोहराव दोष कहते हैं। उदाहरण के लिए, मुझे इसी खतरे का भय था। जब आप खतरे का प्रयोग कर रहे हैं तो भय का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ पर खतरे का भी प्रयोग किया गया और भय का भी, जो कि सही नहीं है। दूसरा उदाहरण है, गुनगुने गर्म पानी से नहाने में बड़ा मजा आता है। जब आप गुनगुने पानी की बात कर रहे हैं तो आपको गर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप गुनगुना पानी लिखिए या गर्म पानी लिखिए, लेकिन दोनों का प्रयोग करना सही नहीं है। इसी तरह अगला उदाहरण है, कालचक्र के पहिए के नीचे दबकर सब समाप्त हो जाता है। जब आप कालचक्र कह रहे हैं तो कहने का ही अर्थ है कि समय का पहिया, तो आपको दोबारा पहिए का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से दोहराव दोष हमारे लेखन में आता है। शिक्षार्थियों, हमारी अभिव्यक्ति में बहुत से जो दोष हैं वे बाधक रहते हैं और हम अच्छे ढंग से लिख नहीं पाते। हमें इनसे बचना चाहिए। ये दोष हैं अशुद्ध भाषा, उच्चारण दोष, वर्तनी दोष, शब्द प्रयोग तथा वाक्य रचना संबंधी दोष। हमारी मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में ये दोष बाधक बनते हैं। शुद्ध बोलना या लिखना एक कौशल है, एक हुनर है। अब हम बात करते हैं उपयुक्त शब्दों के चयन की। उपयुक्त शब्दों के अभाव में हम अपने विचारों या अनुभवों को व्यक्त नहीं कर पाते। हमारे मन में कोई विचार उठा और हमने उसे भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए शब्द खोज लिए, मगर यह काम यहीं समाप्त नहीं होता। शब्दों के चयन के बाद हमें यह भी देखना होता है कि उनका मेल बैठता है कि नहीं। उदाहरण के लिए, मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, केरल में लिटरेसी दर सबसे अधिक है। मान लीजिए आपने लिखा कि मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं। इसकी जगह यदि आप लिखें कि मेरे मम्मी बाप बूढ़े हो गए हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी के साथ बाप का मेल नहीं बैठता। या तो मम्मी पापा लिखा जाएगा या माँ बाप या अम्मी अब्बा।
इसी प्रकार यदि आप लिखें कि केरल में लिटरेसी दर सबसे अधिक है तो यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शब्दों का प्रयोग बेमेल है। लिटरेसी अंग्रेजी का शब्द है और दर हिंदी का। या हिंदी में साक्षरता दर लिखिए या फिर लिटरेसी रेट। शिक्षार्थियों, मान लीजिए कि आप अपने किसी मित्र से मिलने उसके छात्रावास गए और वह अपने कमरे पर नहीं मिला। आपको उससे बहुत ज़रूरी काम था, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप उसके नाम एक चिट लिखकर ताले में लगाएंगे या कमरे में डाल देंगे। मगर उस चिट पर आप लिखेंगे क्या? क्या ऐसे लिखेंगे, विनोद विगत 2 डेज से मैं तुमसे मिलना चाहता था मगर तुम नहीं मिले। तुम्हें ज्ञातव्य हो कि आसन्न परीक्षा के मद्देनजर मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। इस तरह से लिखना क्या ठीक होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इसमें जो कहना चाहते हैं वे ठीक ठीक व्यक्त नहीं।